सिद्धार्थनगर आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने बीएसए दफ्तर परिसर में धरना दिया। इस दौरान मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सरकार मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर हम सबको गुमराह कर रही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें प्रतिमाह 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपये मानदेय दिया जाए। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रभावती देवी ने कहा कि एसोसिएशन के बैनर तले जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंदोलनरत हैं। सरकार लंबे समय से मांगों को पूरा करने का वादा करती रही है, इसके बावजूद अब तक उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों से विभागीय कार्य के अलावा अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं, इसके बावजूद मानदेय सरकार नहीं बढ़ा रही है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर यह धरना अनवरत चलता रहेगा। प्रदेश संरक्षक मकबूल आलम ने कहा कि जब तक मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेगा। आलम ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाते हुए आंदोलन जारी रखा जाएगा। 3 तारीख को धरना प्रदर्शन के पश्चात डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरने में वद्रावती पांडेय, मंजू गुप्ता, चंदन मिश्र, चंदा पाल, शिमला मौर्य, कौशिकी त्रिपाठी, निर्मला श्रीवास्तव, उर्मिला, सरिता देवी, आशा त्रिपाठी, कुसुम सहादी लोग मौजूद रहे।